एक विचार आज की दुनिया में बड़ा क्रांतिकारी है, क्या यह पुनर्जन्म वास्तव में होता है या सिर्फ एक कल्पना है? क्योंकि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में हम देखते हैं कि पुनर्जन्म की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है और आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा इसका कोई प्रमाण हमें मिलता नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने आप को बता रहे हैं वो जो इस जीवन में उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और इसे देखकर आज का विज्ञान भी आश्चर्यचकित है कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्व जन्म की इतनी पक्की और इतनी प्रमाणिक कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब कुछ तो है ऐसा जो एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है, यानी कि जो नष्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे आधुनिक विज्ञान ने इस शरीर के बारे में तो बहुत रिसर्च की और हमें इस शरीर की बड़ी जानकारी दी, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जीवन शक्ति की जानकारी ये सिर्फ हमें शास्त्रों में ही प्राप्त होती है। तो जब तक हम उसका आश्रय ना लें हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये वास्तविक है या नहीं।